नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि आपके एचएमआई में एक डाटा रजिस्टर लेकर आप पीएलसी में किस प्रकार से डालेंगे। और जो हमारे डाटा रजिस्टर के जो हमें इनपुट वैल्यू डाल दी है, प्रेजेंट वैल्यू, वो हमें शो करना चाहिए कि एचएमआई में हमें प्रेजेंट वैल्यू इतनी चल रही है। आप दो डिस्प्ले बनाएंगे, एक सेट वैल्यू की, एक प्रेजेंट वैल्यू की, वो आपको मैं बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले आप मेरा वीडियो जो देखना है यूट्यूब पे, तो खाटू श्याम पीएलसी प्रोग्रामिंग प्रोग्राम दिखा रहा है, इस नाम से सर्च कर लेंगे तो आप एक लोगो बनकर आ जाएगा और उसको ओपन कर लीजिए। और उसमें आपको सबसे पहले सब्सक्राइबर करना है। मैं आपको बता देता हूँ कि देखो ये दोस्तों, ये मेरा चैनल है, आपको दिख रहा है इस चैनल में, यहाँ पे सब्सक्राइबर का बटन है, ये सब्सक्राइबर का बटन दबा दीजिए। और दबाने के बाद आप एक बार, ये घंटी है यहाँ पे, इसको भी दबा दीजिए। इसके बाद में आप सब्सक्राइबर कर लोगे तो मेरे द्वारा जो भी डाला गया वीडियो है वो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाएगा, ताकि आप उस वीडियो को देख सकें। तो इस प्रकार से आप सबसे पहले सब्सक्राइबर ही करिए, अभी तक आपने नहीं किया होगा, यदि कर दिया है तो बहुत अच्छा है, नहीं किया तो सब्सक्राइबर कर लीजिए प्लीज। और जब वीडियो आप देखोगे तो ये राइट साइड में देखो और लेफ्ट साइड में यहाँ एक लाइक का बटन मिलेगा, उस लाइक का बटन को भी दबा दीजिए। चलते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आप प्रोग्राम बनाएंगे। ये मेरे पास एक एचएमआई का सॉफ्टवेयर है, जीटीटी 9001000 दिख रहा है। इसमें मैंने ऑलरेडी दो डिस्प्ले बना दिए हैं, एक प्रेजेंट वैल्यू के लिए, एक सेट वैल्यू के लिए। ये किस प्रकार से बनेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे जाइए, ये न्यूमेरिकल डिस्प्ले आपको दिख रही है, इसमें दो डिस्प्ले, न्यूमेरिकल डिस्प्ले और न्यूमेरिकल इनपुट। जो आप इनपुट ये लेंगे, एक बार दबा देंगे इसको, दबाने के बाद इस प्रकार से दबा दोगे तो यहाँ बनकर आ जाएगा ये। और दूसरी आपको ये न्यूमेरिकल डिस्प्ले है, इसको ले लीजिए आप, यहाँ पे आप इसको बनाएंगे यहाँ पे बन जाएंगे। अब इसमें किस प्रकार से आपको डाटा डालने हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। इस पर डबल क्लिक कर दीजिए और इसमें डिवाइस लिख रखा है, इस डिवाइस पे आप इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो डिवाइस हमें D1 मैंने डाला है, और इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में आपको इसको भी ओके कर दीजिए। इसी प्रकार आप इसमें भी डबल क्लिक कर दीजिए और D2 डिवाइस मैंने डाली है, इसी प्रकार से यहाँ पे क्लिक कर आप इसको ओके कर दीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए। इस प्रकार से आप एक सेट वैल्यू की, एक प्रेजेंट वैल्यू की आप डिस्प्ले बना सकते हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी डिस्प्ले आपको ऊपर, ये देखो न्यूमेरिकल डिस्प्ले हमारी, इसमें हमारी जो भी चलेगा टाइम वो टाइम दिखेगा इसमें, तो इस वाली डिस्प्ले में हम टाइम डालेंगे, ये हमारी सेट वैल्यू रहेगी इसमें, और ये प्रेजेंट वैल्यू हमें दिखेगी। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको दिखेगी। एक मैंने प्रोग्राम बना रखा है, ये देखो ऑलरेडी मैंने एक प्रोग्राम बना रखा है, इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपको तो दिखाऊंगा डिस्प्ले में किस प्रकार से आपको दिख रहा है। इसको मैं ऑन कर देता हूँ, ये ऑन कर दिया है, सॉरी। आप सबसे पहले इसमें अपनी वैल्यू डाल लीजिए, इसमें वैल्यू डाल देते हैं तो हम कितने डाले, मान लो 33 डाल देते हैं, ये देखो 33 हमें और डाल के इंटर कर दीजिए, यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारी। देखो दोस्तों, ये भी हमारे प्रोग्राम में आ गई है। इस प्रकार आप भी अपने प्रोग्राम में डाल सकते हैं। मैं आपको इसको चला के दिखा रहा हूँ, इसको ऑन कर दीजिए। ऑन करने पर आपको देखेगा किस प्रकार से हमारा कोई इसमें दिक्कत आ। दोस्तों देखो, मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, ऑन करने पर ये हमारा प्रोग्राम चलेगा, ये देखो चलता हुआ, और ये आपको यहाँ वैल्यू भी दिख रही है, ये घटते क्रम में हो रहा है। आप इसको 1 2 3 4 5 6 भी कर सकते हैं, वो आपके प्रोग्राम के ऊपर है। मैंने इस प्रकार से प्रोग्राम बनाया है कि घटते हुए क्रम में आपको दिखे। जब ये हमारा
टाइम पूरा हो जाएगा इसका, काउंटर हमने जो 33 वैल्यू डाली है, तो ये प्रोग्राम भी बंद हो जाएगा। तो देख लीजिए आप किस प्रकार से ये प्रोग्राम है हमारा, और ये वैल्यू यहाँ पे आप देख रही हैं, जो हमारी सेट वैल्यू इतनी है तो प्रोजेक्ट में कितनी वैल्यू चल रही है, और हमारी ये जीरो होते मशीन बंद हो जानी चाहिए। देखो ये हमारा प्रोग्राम भी बंद हो गया है। इस प्रकार से आप अपने HMIC और PLC में प्रोग्राम बना सकते हैं, जो सेट वैल्यू का और प्रेजेंट वैल्यू का, क्या आपको बता दिया मैंने। अब मैं आपको 1, 2, 3, 4, 5 है ये बढ़ते हुए क्रम में एक प्रोग्राम बनाकर दिखाऊंगा इसे अगली वीडियो में। लेकिन फिर से आप मेरी वीडियो, ये सब्सक्राइबर का बटन है इसको सब्सक्राइबर कर दीजिए, और यहाँ पे एक घंटी का बेल है इसको दबा दीजिए, और जब आप ये मेरी वीडियो है दोस्तों आपको दिख रही है, इसमें आप लाइक का बटन मिलेगा इस साइड में आपको दिखा हुआ, देखो लाइक करें, तो इसे लाइक भी अवश्य करें। यदि आपको कोई दिक्कत होगी या समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, और यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत। आप